एडवांटेज मैंने भी किया है। मैं आज आपको ये थाइस की एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी मतलब फैट ज्यादा है और थाइस भारे हैं और बहुत ज्यादा ही मतलब चलने फिरने में परेशानी बनती है। तो इसकी एक्सरसाइज ये है कि थाइस की एक्सरसाइज जब आपने करनी है तो ऐसा डॉक्टर का जिसम को वार्म अप कर लेना है। तो जिसम को वार्म अप करने के बाद आपने पहली जो इसकी एक्सरसाइज है वो हल्की हल्की फ्लोइंग है और वो पाँव की इस जगह ये फ्लोइंग आपने जब कर लेनी है तो इसको ये चेंज चेंज ये एक्सरसाइज करते जाना है। ठीक है, तो साथ ही इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये ऐसी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है थाइस की है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन शुरू कर दिया। बिल्कुल फेल देंगे इनको ताकि इनको सच में अद्भुत है वो आपकी जगह पर सेट हो जाए। फिर आपने करनी है वन टू थ्री फोर दोनों का टांगों की करनी है तकरीबन 20-20 मिनट बाद। वन टू थ्री फोर तकरीबन 20-20 मिनट बाद ये करके उसके बाद आपकी थोड़ी आ जाती है। इस पाँव को उधर आगे रखना है थोड़ा सा ये चीज ये आगे रख के बाजू को इधर रख लेना है हल्का कुछ करना है। वन टू चेस्ट को अपर को नीचे नहीं लेके जाना डाउन के साथ बिल्कुल फ्रंट पे रखना है। वन टू थ्री फोर यानी दोनों को पुश करना है पाँव को। वन चेंज ये ठीक है जी बुन के ऊपर पाँव के ये जो बुन है ये इसके ऊपर इसको पुश करना है इस पर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी ये होगी। इसके बाद आपकी है लेग्स को थोड़ा खोल लेना है। ठीक है जी खोलने के बाद आपने इस लेग को ये मूव किया ये नीचे लगा लिया ये मूव ये बनी। ठीक है अपर को बाजू को अपने अपर के हेड के पीछे बांध लेना है आगे डाउन अप बैक पे जितना जा सकते हैं डाउन अप डाउन चेंज ये चीज बाजू पीछे डोन 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 ये आ गई आपकी ये चीज। ठीक है यहीं से थाइस को और थोड़ा सा पीछे निकालना है यानी कि अपनी नीज को ये down up down up down up इसके बाद आप भी तीनों भी वैसे down करेंगे up in that इसके बाद ये बाजू नेचर से अब इनको थोड़ा सा उठा रहे हैं ये बिल्कुल रद्द कर रहे हैं। ठीक है जी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप इनलेट डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप इस आपको इधर रख लेना है। ठीक है अगर ये इस तरह आप नहीं कर सकते ये कर सकते तो इसको ये मूव करके ये चीज लेग को उठाना और इधर स्टॉप देना स्टॉप स्टॉप कम से कम इसका जो भी है 15 सेकंड से 30 सेकंड फिर इसके बाद स्टॉप वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि 20 बार बार यही है।
ठीक है जी। इसके बाद ये चेंज वही चीज है, वन टू थ्री फोर और चेंज। इसके बाद ये हाथों पे रख लेना, पाँव को मूव कर लेना मुकम्मल, ये चीज। हेड को बिल्कुल सीधा और फेस को बिल्कुल ऊपर की तरफ, ये वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें ये वन टू थ्री फोर, ये भी दोस्तों आपकी जो थाइस की एक्सरसाइज बहुत ही परफेक्ट एक्सरसाइज है। इसको हम टाइम देंगे तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्सरसाइज है आपने की है। आपकी एक्सरसाइज आपको इस बता देता हूँ, जब सारी बात नहीं है आपने ये चीज वन यहाँ से उठाना है, वन टू थ्री पाँव की ये मोमेंट फोर फाइव चेंज। ये थी आइस की एक्सरसाइज। अगर आप इसको रेगुलर रूटीन में रखेंगे तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये थाइस की एक्सरसाइज मैंने की है। अगर आपके सामने बहुत खुद नहीं करके आ जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।